हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल वीडियो फैक्ट्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में कि वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल कंपोनेंट की जरूरत होती है दोस्तों, क्योंकि साधारण कंप्यूटर के अंदर जो हम पार्ट्स लगाते हैं वो पार्ट्स बहुत ही हल्के होते हैं। वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर बनाने चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन पार्ट की जरूरत होगी और कौन सा उसमें हार्डवेयर यूज होगा, तो चलिए जानते हैं। ओए, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। Which part is required to build a video computer in Hindi? Video editing बनाने के लिए जो जरूरी parts होते हैं, हम आपको नीचे बारी बारी इन parts के बारे में बताना चाहते हैं, एक और एक point के बारे में कि क्या इसमें हो सकता है। दोस्तों इसके साथ जरूरी parts के बारे में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें component, processor, hardware या RAM इसमें कितनी लगेगी। दोस्तों साथ में हम आपको ये भी बताने वाले कि आपको कौन कौन से parts component ध्यान में रखने की जरूरत होती है। प्रोसेसर, दोस्तों प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर का सबसे मुख्य अंग माना जाता है। समझ गया। प्रोसेसर और प्रोसेसर ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और सॉफ्टवेयर को चलाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग करने के लिए जिस भी सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस सॉफ्टवेयर में एडिटिंग हो जाने के बाद जब उसे हम एक्सपोर्ट यानी कि सेव करते हैं तब प्रोसेसर का बोझ काफी पड़ता है। इसलिए अगर आप प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें प्रोसेसर की पावर दोस्तों अधिक से अधिक हो। अच्छा, ये सबेरे क्या मेरे को यही देखने का। वैसे तो प्रोसेसर आज के समय में इंटेल और एएमडी के देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर इंटेल का प्रोसेसर खरीदने की सोच रहे हैं कम बजट में तो i5 या इससे ऊपर का प्रोसेसर ले सकते हैं और एएमडी में r5 या इससे ऊपर के प्रोसेसर को भी ले सकते हैं। दोस्तों फुल एचडी में वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको i5 या r7 एकदम सही होता है। दोस्तों अगर आप प्रोसेसर आपका पावरफुल होगा तभी आप वीडियो एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों क्या रे, उधर के चौकीदारी कर रहा है। और अब बारी आती है हमारे सेकंड नंबर यानी कि ग्राफिक कार्ड की। दोस्तों साधारण कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड का काम बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर में इसका रोल काफी ज्यादा होता है। ग्राफिक कार्ड क्योंकि वीडियो एडिटिंग का आधा तो ग्राफिकल काम ही होता है और ग्राफिकल काम तो ग्राफिक्स कार्ड ही कर सकता है। दोस्तों ग्राफिकल काम जैसे कि वीडियो में इफेक्ट, ट्रांजिशन और एनिमेशन वगैरह हम ये लगाते हैं, ये सब इफेक्ट का बोझ प्रोसेसर पर नहीं बल्कि ग्राफिक कार्ड पर पड़ता है। इसलिए अगर आप फुल वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर बनवा रहे हैं तो फुल एचडी वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको कम से कम 4GB का ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा और 4K वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको कम से कम 6GB का ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हैं। दोस्तों और इससे क्या है, आपके ग्राफिक कार्ड से आपकी स्क्रीन की भी प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक हो सकती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और जो ना पिक्चर क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी। उसके बाद बारी आती है दोस्तों रैम की। छाती फोड़ रे कि वीडियो एडिटिंग करवाने वाले सॉफ्टवेयर रैम पीते हैं बिजली की तरह, इस वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर में रैम अधिक से अधिक हो तो अच्छा है। अब रैम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर के लिए निर्भर करता है कि आपके ऊपर वीडियो एडिटिंग साधारण करना चाहते हैं या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, फुल एचडी में करना चाहते हैं या दोस्तों 4K में आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या उसके लिए कंप्यूटर बनवा रहे हैं। फुल एचडी वीडियो एडिटिंग करने के लिए तो आपको कम से कम 8GB की रैम का होना भी जरूरी होता है और अगर आप 4K की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो कम से कम आपके सिस्टम में 4GB रैम होनी चाहिए। अब आप यह मत सोचिए कि अधिक रैम से आप वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर को स्पीड बढ़ा लोगे, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि अधिक रैम लगाने से बढ़ती है रैम की मेमोरी और स्पीड। तो कंप्यूटर प्रोसेसर के कारण जितना पावरफुल प्रोसेसर है उतनी अधिक स्पीड और परफॉर्मेंस आती है दोस्तों आपके सिस्टम CPU की। तो इसलिए आप रैम और अपना प्रोसेसर अहम रखिए। साला किसको बोलता है रे तू। अब बारी आती है मॉनिटर की। स्क्रीन भी काफी अहम हिस्सा माना जाता है वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर को। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी वीडियो एडिटिंग की उतनी ही अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग हो पाती है, लेकिन इसके अलावा भी मॉनिटर लेते वक्त आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मॉनिटर सिंक फ्री होना,
चाहिए, तभी आप वीडियो एडिटिंग सही ढंग से देख सकते हैं और उसका रंग आपको काफी अच्छा दिखेगा। वीडियो स्लो मोशन में और फास्ट स्पीड में देखने के लिए आपको मॉनिटर में हाई रिफ्रेश रेट होगा, छाती फोड़ रहे, तभी आप वीडियो एडिटिंग देख सकेंगे। तेज स्पीड के साथ आपको रिफ्रेश रेट 60 फ्रेम पर सेकंड मापा जाता है और FM वैल्यू 60 फ्रेम पर सेकंड होनी चाहिए। उसके बाद आती है दोस्तों कैबिनेट की वे। तो वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर का बोझ अधिक होगा, अधिक काम होने के कारण इसलिए कंप्यूटर भी होने वाला है अधिक गर्म। इसलिए वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर बनवाने से पहले आपको ऐसा कैबिनेट सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि आप गर्म हवा अच्छी तरीके से बाहर निकल सके और सीपीयू के अंदर जा सके, उसके पार्ट जल्दी से जल्दी गर्म ना हो। दोस्तों कैबिनेट सीपीयू की बॉडी होती है और इसी के बीच में ही मदरबोर्ड लगाया जाता है। इसके ऊपर आपका प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर रैम और ग्राफिक्स कार्ड जैसे कंपोनेंट लगे रहते हैं। अगर आपका सीपीयू की कैबिनेट अच्छी नहीं होगी तो आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरी राय आपसे यह है दोस्तों कि आप अगर वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर हो या गेमिंग कंप्यूटर से, इन दोनों कंप्यूटर में कुछ भी खास अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर में भी पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है और गेमिंग कंप्यूटर में भी बस अंतर मामूली सा ये होता है। जब आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, गेमिंग कंप्यूटर का, तो उसके प्रोसेसर की पावर थोड़ा सा कम होती है और वीडियो एडिटिंग प्रोसेसर और रैम वगैरह जो आप रखते हैं उसकी पावर थोड़ा ज्यादा रहती है। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई जानकारियां, सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।